गुड हेलो, मॉर्निंग सर। गुड गुड मॉर्निंग। तो ठीक है। मॉर्निंग सर। हेलो सर, हाउ आर यू क्या कह रहा है जी? सर, हम लोग सुनो किस सुनो, अब तो मैंने सुना है कि ऑफलाइन खुलने वाला है। गुड मॉर्निंग सर, कैसे हो सर? हम लोग को वॉइस आ रही है सर। सुन सुन, सर, तुम लोगों ने जो डाउट्स भेजे थे वो बताओ मैंने क्यों नहीं आपने दिए। एक के भी जवाब नहीं दिए सर, देख के मैसेज। अरे तो बता तो सही, क्यों नहीं दिए? लॉजिक लगा ना, अकल लगा। कहीं बिजी गुड हो गए मॉर्निंग सर, सर। हॉस्पिटल वगैरह में पेशेंट देख नहीं, रहे हो। और कोई बताओ, और कोई बताओ। सर आप शादी में गए हुए थे। जी नहीं, सुन तो सही, सुन तो ऑफलाइन सही। खुलने घर वाला है, पे ये, घर हाँ पे अभी दीपक ऑफलाइन ऑफलाइन कौन बोला था? ऑफलाइन कौन बोला? अभी दीपक बोला था। दीपक सिर्फ दीपक का आंसर सही है, सिर्फ दीपक का आंसर सही गुड है। मॉर्निंग जब सर। तुम्हारे क्वेश्चंस मेरे पास आए तब तक ये न्यूज आ गई थी कि अब ऑफलाइन खुलने वाला है। ठीक है, तो मुझे लगा कि चलो ठीक है, क्वेश्चंस तो आपने भेज ही दिए, जवाब जो है मैं आपको ऑफलाइन आकर के समझा दूंगा। ऑनलाइन वालों सरप्राइज का दे रहे सर, हैं सर। सर हम तो ऑनलाइन वाले हैं। ऑनलाइन वालों को भेज दूंगा, आप लिख के भेज देना कि मैं ऑनलाइन में हूं। ऑनलाइन वालों को तो भेज ही दूंगा, लेकिन मैं प्रवीण की बात कर रहा हूं। प्रवीण है और बाकी जो है ना, जिन जिनके ऑफलाइन वालों के आए हैं उनको तो मैं ऑफलाइन ही लिख करके भेज दूंगा। मतलब ऑफलाइन जब, अब ये मुझे लगता है इस हफ्ते से खुल ही जाएंगे, तो जब तुम लोग मिलना शुरू हो जाओगे मुझसे तो मैं भेज ही दूंगा। ठीक है, लगभग नेक्स्ट वीक भेजोगे जो सर? ऑनलाइन, जो प्योर ऑनलाइन। सुन ले प्रवीण, पहले फिर मुझे गुस्सा, नमस्ते। नमस्ते फिर मुझे गुस्सा आ जाएगा। सुन, नमस्ते सर। नमस्ते। सर नमस्ते, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। देखो सुधीर, सुधीर ने, देखो देखो सुधीर ने क्या मैसेज लिखा है। सुधीर ने लिखा है, आज तक सर आपने ऑनलाइन कोई भी आंसर दिया है? ये भगवान, मेरे मेरे सही तो सर, सारा आप कभी नहीं दिए, कभी भी। का सारा बेकार कर दिया सुधीर ने आज। मतलब सुधीर ने तो मेरा सारा बेकार कर दिया, सारा एकदम बेकार हो गया। चलो कोई बात नहीं, अब जैसे जैसे अब तुम लोग सोचो मैं क्या करूं, बताओ। वो तो जैसी जिसकी सोच है सर। प्रवीण तुम तो बोलो ही मत, अब हम ऑफलाइन मिलेंगे। प्रियंका, इससे रिलेटेड हमारी बात हुई थी एक बार, हम सोचना नहीं सर, बी लाइक है बस, यही देखना। कितनी जल्दी जल्दी चला जाता है चैट, मुझे नजर तो आता नहीं, उससे पहले चैट गायब हो जाता है। चलो तो जैसा हम करते रहे हैं प्रवीण, यस सर। जैसा हम करते रहे हैं वैसा ही करेंगे। तो संडे संडे क्लास रहेगी फिर आपकी? नहीं, अरे तुम्हारे साथ कब होती थी? संडे, नहीं, थोड़ा सा मुझे लगता है चेंज हुआ। सैटरडे सैटरडे मेरे ख्याल से संडे होगी, मेरे ख्याल से अब होगी, 2 दिन हुआ करेंगे। ठीक है, मतलब अभी देखो बना चलो नहीं, अच्छी बात है सर। आज आज बैठ के बनवाता हूं मैं, मतलब बनता है आज रात में। सुन, लेकिन हमने ना फिर भी काफी निकाल दिए, पता है क्या क्या? एनिमल किंगडम, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, सेल एज ए यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है, और बायोमॉलिक्यूल्स, और आज हम खत्म कर देंगे इवोल्यूशन। इवोल्यूशन तो हमने फिर भी देख ऑनलाइन में काफी फायदा उठा लिया, काफी हमने आज शुरू कर दिया। सर, कल शाम को ही आया मैसेज। अरे तो मैंने तुम्हारे जो वो थे ना क्वेश्चंस, वो भी तो कल शाम को ही देखे थे। अच्छा सुनो, मेरी घड़ी देखो, घड़ी। ओहो सर, गजब, आज फैशन नहीं यस, अच्छे है ना। सर। वो गोल्डन वाली कहाँ गई? गोल्डन कौन सी वाली आ गई? वाली कहाँ गई? वो भी है, और एक वो वो। ज्यादा बढ़िया लगी थी सर। प्रवीण तुम तो बोलो ही मत। अच्छा सुन प्रवीण, जब मंडे, जब अगले हफ्ते मिलते हैं ना, यस सर, तब वो वाली पहन के आऊंगा, अगर वो ज्यादा अच्छी लग रही थी तो। गोल्डन वाली। हाँ सर, मतलब वो बात बढ़िया है। क्यों करता है प्रवीण हर समय? अच्छा ओके सर, नहीं करूंगा, सॉरी तेरी तबीयत कैसी है अब? सर, थोड़ी सी बिगड़ गई है क्यों, अब सबकी सुधर रही है, तेरी बिगड़ रही है? सर। शोल्डर में और नेक में थोड़ा पेन हो जाता है कभी कभी।
अरे तुम कैसा यंग लोग है जी, जब मैं तुम्हारी एज ग्रुप का था ना तो एकदम यहाँ एक पैर यहाँ, एक वहां, एक वहां, एक ऐसे रहता था। सर आपकी एज ग्रुप में ऑनलाइन क्लासेस भी तो नहीं होती थी? हाँ ये कौन बोला ये दीदी, क्या डायलॉग मारा है। अच्छा आज हमारे साथ कौन डॉक्टर्स नहीं है, पहले एक बार जो मेन मेन नाम है जो मुझे याद है, कौन डॉक्टर्स नहीं है? एक तो अंजलि नहीं है, अंजलि नहीं है ना सर मैं हूँ, और साक्षी रणवीर सिंह भी नहीं है। अरे सर मैं हूँ। अच्छा अंजलि है, साक्षी नहीं है। देखो साक्षी को पकड़ लिया मैंने, और देखो देखो मुझे कौन नहीं दिख रहा है। सर मैं भी सर पैदल परदीन नहीं है, नहीं साक्षी यादव है, साक्षी रणवीर सिंह नहीं है। दो साक्षी हमारे साथ, एक ऑफलाइन वाले भी साक्षी है, वो भी नहीं है हमारे साथ। गुलनाज भी नहीं है, यस फैजल नहीं है, परदीन नहीं है। चलो साक्षी नहीं है ना हमारे साथ, परवेश भी नहीं है, साक्षी साक्षी यादव है, साक्षी सिंह नहीं है हमारे साथ। चलो तो पहला, अच्छा मैं अच्छा लग रहा हूँ ना? अरे सर झक्कास एकदम, होगी तो बढ़िया ही लग रही है आपकी, कतई जहर। चलो फिर सही है, और जल्दी मैं ना जो ये वाला पोर्शन है ये ट्रांसप्लांट करवाने वाला हूँ। क्या सर सच में? हाँ अप्रैल में कराऊंगा, तो ये जो थोड़ा सा पैच नजर आता है ना ऐसे बाल्डनेस वाला, वो ठीक हो जाएगा, बाकी सब फट फर्स्ट क्लास है, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो सबसे पहले हम लिखते हैं इस चैप्टर में ओरिजिन ऑफ लाइफ। पहला इस चैप्टर में आता है ओरिजिन ऑफ लाइफ, ठीक है? तो पहले नंबर पर लिखना है इस चैप्टर के अंदर ओरिजिन ऑफ लाइफ, ओरिजिन ऑफ अर्थ एंड लाइफ ऑन इट। ओरिजिन ऑफ अर्थ एंड लाइफ ऑन इट। अच्छा वो देख रजत, रजत तुम अगले स्टेप पे पहुंच गए। अच्छा सुनो ओरिजिन ऑफ, रजत एक बात करते हैं, जो जो दिल्ली में है कम से कम एक बार आकर के ऑफलाइन मिल तो लो हम लोगों से। तुम में से शाहदरा के आसपास कौन रहता है? कोई नहीं रहता शाहदरा के आसपास, दिल्ली में ही तो नहीं रहते। अगर बाहर के भी बच्चे हैं, बाहर के भी हमारे साथ, तो अगर शाहदरा के आसपास रहते हो, हम लोग यमुना विहार में है, ठीक है? तो वहां आकर के मिल लो, एक बार तो मिल लो, शक्ल तो दिखा दो कि हाँ ऐसे लगते हैं हम, ऐसे ऐसी शक्ल है हमारी, देख लो। खांसी हो गई मुझे। चलो ठीक है, तो सबसे पहले प्रवीण तुम्हारे से बात कर करके ना मुझे खांसी हो जाती है। अंशिका नहीं आई ना? अंशिका कहाँ पे है? नहीं सर आई हूँ, आई है। और कौन सा आया? मुशर्रफ कहाँ पे है? मुशर्रफ भी गया है, फरदीन भी नहीं है, फैजल भी नहीं है, गुलनाज ने तो आना ही बंद कर दिया है। सर उसके साथ हुई तबीयत खराब है। किसकी? गुलनाज की। अरे क्या हो गया? टाइफाइड हो गया सर उसे, शायद कल बता रही थी केमिस्ट्री क्लास में। क्या हुआ क्या हुआ? टाइफाइड हो गया। एक्सीडेंट हो गया? नहीं ओ टाइफाइड तो। अरे यार, और उसका दोस्त कौन है साक्षी सिंह का, उसे फोन करो।
उसकी कौन फ्रेंड है? जो ऑफलाइन वाली साक्षी है वो भी नहीं नजर आ रही है मुझे। चलो प्रवीण तुम तो चुप ही रहना। ओरिजिन ऑफ अर्थ एंड लाइफ ऑन इट, ठीक है? अच्छा बताओ, लिख लेना, ये थ्योरेटिकल सा चैप्टर है, इसमें साइंस बहुत नहीं है, है ना? इसमें ज्योग्राफी ज्यादा है, हिस्ट्री बहुत है, ये सब चीजें लिख लेना। वेरियस थ्योरीज हैव बीन गिवन, ठीक है? वेरियस थ्योरीज हैव बीन गिवन, वेरियस थ्योरीज हैव बीन गिवन, टू एक्सप्लेन वेरियस थ्योरीज हैव बीन गिवन टू एक्सप्लेन। गुड मॉर्निंग सर। कौन आया? प्रदीप, कहां थे? सर कहीं नहीं था। फैजल का है? टू एक्सप्लेन। सुनो सर, सुनो सुनो। हाँ कौन बोल रहा है? मैं। हाँ अंजलि बोलो। सर यहाँ पे ना एक इंसान जिसका बर्थडे है। किसका? मोहम्मद फरदीन का। मोहम्मद का। यस सर। फरदीन तेरा बर्थडे आज? झूठ बोल रहे हैं सर, ये पार्टी चाहिए ना ऐसे ही। सुन, अगर तुम लोगों ने अकेले अकेले पार्टी, सर झूठ नहीं बोल रहे, बिल्कुल झूठ नहीं। सर हम सच बोलते हैं। अगर तुम लोगों ने, अगर तुम लोगों ने अकेले अकेले फरदीन, अगर तूने अकेले अकेले पार्टी दे दी ना इनको, फिर देखियो सर को शाम भी आ जाऊंगा वहीं पर दे दूंगा। जहां भी पार्टी, जहां भी पार्टी, तो मुझे भी बताना, मैं भी आऊंगा। अरे सर आपको भी तो बर्थडे आ रहा 14 को। मेरा भी आ रहा है, मेरा नेक्स्ट वीक है, नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक है, ठीक है? लिख लेना। परदीन बता दियो कहां पहुंचना है। कौशाम्बी आया ना सर, कौशाम्बी में मिल जाऊंगा। चल ठीक है, कौशाम्बी मिलते हैं फिर। और इन सबको भी ले लो, डॉक्टर्स हैं हमारी, साक्षी अंजलि सबको। वहीं पे एटीएम मॉल में बैठेंगे या पैसिफिक में। ओके सर। वेरियस थ्योरीज हैव बीन गिवन टू एक्सप्लेन ओरिजिन ऑफ अर्थ एंड लाइफ ऑन इट, ठीक है? जरा मुझे बता दो कौन कौन सी थ्योरीज है। प्रवीण बता दे कौन सी है। मुझे लेने आ जाना। कौन है? आयुषी कुछ कह रही है, कौन कह रहा है लेने आने के लिए? अंजलि। साक्षी। साक्षी। अच्छा सुनो, ठीक है, और सुनो, सबसे पहले लिखो कौन सी थ्योरी लिखनी है। प्रवीण सबसे पहले बता कौन सी थ्योरी है। बिग बैंग थ्योरी। पता नहीं सर कौन सी थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी सबसे पहले हमारे पास थ्योरी आई, बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी ये कहती है कि ना शुरू में एक प्राइमेवल एटम था, ठीक है? इनिशियली देयर वाज ए प्राइमेवल एटम, इनिशियली है ना, देयर वाज ए प्राइमेवल एटम है ना, फ्रॉम विच डेवलप्ड यूनिवर्स, ठीक है? इनिशियली देयर वाज ए प्राइमेवल एटम फ्रॉम विच डेवलप्ड यूनिवर्स, ठीक है? ये थ्योरी किसकी दी हुई थी? थ्योरी गिवन बाय हाँ जी हबल एंड लिमेटायर, हबल एंड लिमेटायर, थ्योरी गिवन बाय हबल एंड लिमेटायर। हबल और लिमेटायर की दी हुई थ्योरी है ये, थ्योरी गिवन बाय हबल एंड लिमेटायर। करो ना, अभी ये पहली स्लाइड है बेटा, ठीक है? हबल एंड लिमेटायर की दी हुई थ्योरी है ये। सर हाँ सर, रजत आपके घर पे महफिल जमाने को बोल रहा है। अरे वहां बैठेंगे पैसिफिक में।
एटम से पहले भावना कुछ नहीं, प्राइमीवियल भावना, प्राइमीवियल मतलब प्रिमिटिव एटम, प्राइमीवियल, ठीक है। दिस थ्योरी वॉज गिवन बाय हबल एंड लिमेटायर। अरे वो कहाँ रह गया फरदीन, फैजल कहाँ पे है? रास्ते में होगा वो, रास्ते में लाइब्रेरी जाता है सर, वहां पे क्लास लेता है सर, लाइब्रेरी से लेता है। फोन करो उसे जरा एक बार, ठीक है सर, करता हूँ सर, लेकिन क्लास से लेफ्ट हो जाऊंगा फिर। अच्छा चल कोई नहीं, आ जाएगा फिर वो। थ्योरी गिवन बाय हबल एंड लिमेटायर, ज्वाइन कर लियो। अच्छा यूनिवर्स के अंदर ना, तो यूनिवर्स के अंदर बहुत सारी क्या होती है, गैलेक्सीज। हाँ तुम बुला लो ना उसे, ठीक है। यूनिवर्स के अंदर ना बहुत सारी गैलेक्सीज होती हैं। हमारी वाली गैलेक्सी कौन सी है? मिल्की वे। अरे उसे साक्षी सिंह को फोन किया किसी ने? अवर गैलेक्सी इज मिल्की वे। सरगम कहां पे है? मुझे सरगम भी नजर नहीं आ रही है बहुत दिनों से, वान्या नजर नहीं आ रही है बहुत दिनों से। अभी देखो सबके नाम बुलाता हूं मैं, सरगम कहां पे है? मुझे विक्रांत नजर नहीं आ रहा है बहुत दिनों से। ठीक है, अवर गैलेक्सी इज मिल्की वे, आकाश गंगा। और सुन, गैलेक्सी के अंदर मौजूद होते हैं बहुत सारे, मैं तो यही हूं है? हमारी गैलेक्सी, मैं तो यही हूं। अच्छा हाँ, विक्रांत है, ठीक है। अभी देख मुझे जिस चीज के नाम याद आते हैं मैं अभी सबको फोन करवाता हूँ। अभी भावना मैडम को आने दो, सबके घर फोन करवाऊंगा अभी। अवर गैलेक्सी इज मिल्की वे, ठीक है। और सुन, एक गैलेक्सी के अंदर होते हैं बहुत सारे सोलर सिस्टम, है ना। गैलेक्सी हैज मल्टीपल सोलर सिस्टम, गैलेक्सी हैज मल्टीपल सोलर सिस्टम। गैलेक्सी के अंदर होते हैं बहुत सारे सोलर सिस्टम, ठीक है, मल्टीपल सोलर सिस्टम, ठीक है सर। लास्ट स्लाइड करना एक बार प्रवीण, तू बस यही करते रहना ना, लास्ट स्लाइड। सर मैं नहीं बोला इस बार, मैं तो चुप बैठा हूँ सर, आपने बोला। तू चुप क्यों बैठा हुआ है सर? आपने बोला चुप रहना था। अरे अंशिका, यस सर, सेकंड बैच में है कोई तुम्हारी सहेली? सेकंड बैच का कौन है यहाँ पे? सर बी बैच का। अरे सेकंड बैच की गर्ल स्टूडेंट कौन है? देखो तुम्हारे में सब आई हुई है। अंशिका जरा तुम फर्स्ट वाले में देखना, ये सब कहाँ है? ये सरगम वाला ग्रुप कहाँ है सारा का सारा? अभी मैं भावना मैडम से सबको फोन करवाता हूँ। हाँ रिमशा है। अच्छा एक बात बताओ, सचिन तिवारी कहां पे है? अजय तिवारी के नाम से ज्वाइन करता है, अजय शर्मा के नाम से ज्वाइन करता है वो। सचिन वो कहां पे है भाई साहब? मैंने पकड़ लिया, फर्स्ट बैच के बच्चे गायब है। फर्स्ट बैच हम तो हैं यहाँ पर, आंशिका है लेकिन फर्स्ट बैच के बच्चे गायब है, मैंने पकड़ लिया। नो सर, हम हैं यहाँ पर। अंकिता है सर, हम भी फर्स्ट बैच के हैं सर, मैं भी फर्स्ट बैच का हूँ। परवेश तू तो बोल ही मत, परवेश कहाँ पे है सर? वो भी एब्सेंट, वो भी एब्सेंट है, देखा पकड़ लिया मैंने। सर यहीं पे तो हूँ, कहाँ एब्सेंट हूँ सर? बच्चों के नाम मैं ले चुका हूँ, अब सबके घर में लेटर भेजने वाला हूँ। परवेश तू भी एब्सेंट सर, प्रेजेंट हूँ।
प्रेजेंट हूँ सर। परवेज भाई तुझे पता नहीं है लेकिन तू है। अरे ये कौन सी बात हुई। अच्छा जो फर्स्ट बैच में उस ग्रुप के दोस्त हैं सरगम वाले ग्रुप के वो कौन है यहाँ पे? यस सर। कौन कौन बोला? अरे रश्मि फोन करो उसे सरगम वाले ग्रुप को कि मैं बहुत नाराज हो रहा हूं। वो जो पांच छह बच्चे आगे को बैठते हैं ना, जब टीचर के लेफ्ट साइड पे जो बैठते हैं पांच छह बच्चे आगे आगे को, सचिन है उसमें, उसमें से किसी एक को फोन करो, सरगम को फोन करो। अगर सरगम का नंबर है रश्मि तुम्हारे पास, कहो तुरंत ज्वाइन करें सारे बच्चे, फिर वो सरगम को बोलो सबको फोन करेगी, अवान्या को बोलो। हाँ तरुण बोल। प्रवीण आगे चलूं मैं? ऑफलाइन हो जाएंगे। आगे चलूं प्रवीण? यस सर कंटिन्यू प्लीज। क्योंकि तू ना बहुत स्लो है, मैं तेरे से ही पूछा करूंगा। अब सोलर सिस्टम सर फोन में क्लास लेता हूँ सर, बार बार माइक ऑन करने में लिखने में टाइम लगता है सर। अच्छा सुन इतना क्यों बोल रहा है? एक तो मेरे को बिल्कुल पता है बोलना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे बोलते सुना है कभी ज्यादा? हाँ हाँ सर। यस सर बहुत। बस हो गया। अच्छा सोलर सिस्टम क्या होता है चल बता। प्रवीण बता सोलर सिस्टम में क्या होता है? हैज ए स्टार, स्टार इन द सेंटर, सराउंडेड बाय इट्स प्लैनेट। सुन हमारे सोलर सिस्टम का क्या नाम है? हमारे सोलर सिस्टम, हमारे सन का क्या नाम है? हमारे स्टार का, अवर स्टार इज सन, अवर स्टार इज सन। हमारे स्टार का नाम सन है, ठीक है? और स्टार नियरेस्ट टू अवर सोलर सिस्टम, स्टार विच इज नियरेस्ट टू अवर सोलर सिस्टम, अल्फा सेंचुरी। मुझे खांसी आ गई तुम लोगों से बात करते करते। सुधीर तुम्हें मेरे पे जरा भी तरस नहीं आता है, ठीक है? स्टार विच इज नियरेस्ट टू अवर सोलर सिस्टम इज अल्फा सेंचुरी। सर हाँ मंडे से तो ऑफलाइन हो रहे हैं। आप परवेज बोल। सर मंडे से तो ऑफलाइन हो रहे हैं कोचिंग। अरे ये बात तो कर चुके हम 9 बजे, तुम लोग 9:30 बजे आकर के ऐसी बातें करता है, 9 बजे हम ये बात कर चुके हैं। परवेश तुम ऐसा क्यों कर रहा है? सर आप बार बार वॉच दिखा रहे हो मुझे अपनी, ठीक है? स्टार विच इज नियरेस्ट टू अवर सोलर सिस्टम इज अल्फा सेंचुरी। हाँ भाई कोई नए बच्चे आए नहीं आए? मुझे खांसी हो गई। अरे सर पानी पी लो। अभी अभी चाय पी है ना अंजलि, उसके ऊपर पानी पीना मुझे लगता है ठीक नहीं है। अभी 5 मिनट बाद पीता हूं, पानी मेरे पास रखा हुआ है। सुनो 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 अल्फा सेंचुरी बेटा सुधीर उस स्टार का नाम है, अल्फा सेंचुरी उस स्टार का नाम है जो हमारे सोलर सिस्टम के सबसे पास है। अच्छा सुनो आपस में जो तुम्हारी चैट्स हैं वो सारी की सारी चैट मैंने पिछली बार भी बताया था 3 लेयर्स में पढ़ी जाती हैं और उनका रिकॉर्ड भी रखा जाता है, इसलिए बहुत केयरफुल रहो कि आप आपस में क्या चीज चैट कर रहे हो। प्लीज कीप द कम्युनिटी गाइडलाइंस, प्लीज फॉलो द कम्युनिटी गाइडलाइंस। सर आपने माइक लगा रखा। चलो अगला लिखो बेटा, अगला लिखो। दूसरी थ्योरी आई
थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन ठीक है, गिवन बाय ए प्रीस्ट। क्या नाम था बेटा इनका? फादर सॉरीज है ना बेटा, इनका नाम था फादर सॉरीज, गिवन बाय ए प्रीस्ट है ना, फादर सॉरीज, फादर सॉरीज ठीक है। इस थ्योरी के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, गॉड है ना क्रिएटेड अर्थ एंड लाइफ ऑन इट इन सेवन डेज, नहीं सिक्स डेज सॉरी, इन सिक्स डेज। God created earth, you know, and life on earth, you know, in 6 days. ठीक है? This theory is also mentioned in Bible. This theory, you know, is all. वहीं से पढ़ के बताई थी और कौन सा अपना? Is also mentioned in Bible. हाँ बेटा. हाँ. ठीक है, फोन करके तो गॉड जो होता है, गॉड बेटा तीन वर्ड से मिलके बना होता है। परवीन बता दे, परवीन बता दे, गॉड तीन वर्ड कौन कौन से मिलके बना होता है? हमारी दो वर्ड, जनरेटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर। यस विक्रांत, विक्रांत माइक ऑफ कर। हाँ अंशिका बता, जनरेटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर है ना, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। ठीक है, तो ये तीन शब्द से मिलके बना होता है, जनरेटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर। ठीक है ठीक है, बाद में ये थ्योरी भी खत्म होगी है ना। फिर तीसरी थ्योरी बता दो कोई मुझे, थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म। थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म, कैटास्ट्रोफ होता है प्रलय, कैटास्ट्रोफिज्म, कैटास्ट्रोफ होता है प्रलय, गिवन बाय क्यूवियर। गिवन बाय क्यूवियर, क्यूवियर ये थ्योरी क्या थी? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, ये थ्योरी थी बेटा कि अर्थ ना बार बार बनी है और बार बार डिस्ट्रॉय हुई है ना। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी अर्थ has been formed and destroyed multiple times according to this theory and earth has been formed and destroyed multiple times। earth beta bar bar bani hai aur bar bar destroy hui hai and destroyed multiple times। हर बार जब ये बनी है बेटा पूरी तरह से डिस्ट्रॉय की गई है और फिर दोबारा से बनाई गई है ना। अर्थ हैज बीन फॉर्म्ड एंड डिस्ट्रॉयड मल्टीपल टाइम्स। ठीक है, तो वो जो एक सवाल था ना कि बेटा मेन क्वेश्चन क्या था परवीन, कि ना अर्थ बनी कैसे, ठीक है, और अर्थ पे लाइफ आई कैसे, उस चीज को इस थ्योरी ने बार बार करके बोल दिया कि ये अर्थ बार बार बनी है, बार बार टूटी है पूरी तरह से और बार बार डिस्ट्रॉय हुई और फिर बनाई गई है। ठीक है, लेकिन बेसिक सवाल तो वही रहा कि अर्थ बनी कैसे, लाइफ आई कैसे इसके ऊपर। क्लियर है? ठीक है, फिर अगला लिखो थ्योरी ऑफ, फिर लिखो कॉस्मोजोइक थ्योरी, कॉस्मोजोइक थ्योरी। इसको बेटा हम एक दूसरा नाम भी देते हैं, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल थ्योरी, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल थ्योरी और थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया, थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया, थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया।
थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया, ये पिक्चर रिचर ने और एरहेनियस ने दी थी, गिवन बाय रिचर एंड एरहेनियस, गिवन बाय रिचर एंड एरहेनियस। इस थ्योरी में बेटा ये बोला गया, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, ठीक है, लाइफ किसी और प्लेनेट पे थी और उस प्लेनेट से अर्थ के ऊपर आई है इन द फॉर्म ऑफ स्पोर्स। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी लाइफ वॉज प्रेजेंट ऑन सम अदर प्लेनेट, ऑन सम अदर प्लेनेट, ठीक है बेटा, लाइफ किसी और प्लेनेट पर थी एंड फ्रॉम दैट प्लेनेट इट हैज कम टू अर्थ, इट हैज कम टू अर्थ इन द फॉर्म ऑफ स्पोर्स। इट हैज कम टू अर्थ है ना, इन द फॉर्म ऑफ स्पोर्ट्स, ठीक है, स्पोर्ट्स की फॉर्म में अर्थ के ऊपर आ गई है। इट हैज कम टू अर्थ इन द फॉर्म ऑफ स्पोर्ट्स। क्लियर हो गया बेटा? तो जो सवाल था सर, एक मिनट, हाँ, जो सवाल था ना मेन, अंकिता जो सवाल था कि भाई लाइफ कैसे आई अर्थ के ऊपर, तो इन्होंने कहा कि भाई हमारी अर्थ पे तो उस प्लेनेट से आ गई, अब वो प्लेनेट वाले बताएंगे कि उनके यहां लाइफ कैसे आई। तो जो सवाल हमारी अर्थ के लिए था उसको इन दोनों ने बड़ा अच्छे तरह से दूसरे प्लेनेट वालों के ऊपर डाल दिया कि वो बताएंगे कि उनके ऊपर लाइफ कैसे आई, हमारे पास तो वहां से आ गई। क्लियर हो गए बेटा? यस सर। चलो रश्मि, फोन किया तुमने उन बच्चों को, किसी एक दो को? शवाना आ गए? शवाना लास्ट में दिखा दूंगा, ठीक है? जब जाऊंगा ना तब। सर हम बोल रही है कि उसका नेटवर्क इशू है। हाँ वो देख लिया। किसका रश्मि, किसका बोल रही है? सर सरगम बोल रही है। उससे बोलो कि कम से कम बाकी बच्चों को तो फोन कर दे, वो उसको मैसेज कर दो कि बाकियों को ज्वाइन तो करवाए। बोल दिया सर मैंने, ठीक है। और बैच टू में किसी ने साक्षी को फोन किया, साक्षी सिंह को? वो भी नहीं आई है। और कौन कौन नहीं आया बेटा? अपने सारे दोस्तों को फोन करो कि ज्वाइन करें वो। सर बैच टू में हकीम जी भी एब्सेंट है। बैच टू का एक भी बच्चा नहीं है ना? सर हकीम जी नहीं है, बस सर हूंगा। संचित है, ठीक है। अगला लिख लो बेटा। फिर आई पांचवी आई बेटा, थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस, थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस है ना, और स्पॉन्टेनियस जनरेशन ऑफ लाइफ। थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस और स्पॉन्टेनियस जनरेशन ऑफ लाइफ। हेलो हेलो, हाँ मैम आपने फोन किया था? हाँ मैम, हेलो, हाँ अच्छा काशी, हाँ काशी आज आज लोगी क्लास? आज क्लास लोगी? मैं पूछ रहा था या अभी वो प्रैक्टिकल्स है?
लोगी क्या है? अच्छा उसी दिन था, ठीक है। तो फिर आज शाम का, हाँ शाम का रखेंगे 7 बजे के आसपास, ठीक है। मैं अभी मैसेज कर देता हूँ आपको, ठीक है। नमस्कार सर, कहाँ है? हाँ सर कहाँ है? हेलो, हाँ सर, हेलो, नमस्कार नमस्कार, कहाँ है? वो वाला जो है दूसरा वाला, अच्छा तो आप लाए हो? अरे मैं तो सर वहां पे हूं ना, आपको पता ही है। कहाँ? जेसी, बगल में ही हूं आपके। मैं तो 2 बजे तक हूं, दो 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 बजे 2 बजे, हाँ हाँ अरे सर 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 सुनो सुनो सुनो, देखो आप बाहर आ सकते हो, मैं स्टूडियो छोड़ के बाहर नहीं आ सकता, तो मैं आता हूँ फिर आपके पास। हाँ मैं 10:30 पहुंच जाऊंगा आपके पास, आप बाहर आ जाना 2 मिनट के लिए। अरे नहीं सर नहीं, मैं अरे सर मैं कोई शक्ल नहीं दिखाना चाहता ना, मैंने बोला हुआ है कि मैं बाहर आऊंगा। हाँ बाहर आ जाना थोड़ा दूर, थोड़ा सा बस बाहर निकल के। तुम लोगों ने क्या क्या सुना? मेरी बात नहीं सुनते, बड़े लोगों की बातें नहीं सुना करते। सब कुछ सुन लिया सर, बड़े लोगों की बातें नहीं सुना करते। मैं तुमसे बड़ा हूं, दोस्त थोड़ी हूँ तुम्हारा परवीन। सर बड़ों की बातें सुनते हैं तभी तो बड़े बनेंगे। अरे ये बात भी है, सही है यार परवेज आज। और स्पॉन्टेनियस जनरेशन ऑफ लाइफ, परवीन लगता है बस छोड़ के चला गया है। ये थ्योरी किसकी दी हुई है बेटा? थ्योरी गिवन बाय, हाँ बता दो बेटा ये थ्योरी किसकी दी है? ये तो 2-3 वैज्ञानिक मिलकर दिए थे ना, एनेक्सिमेंडर है ना, एग्जिमेंडर वॉन हेलमेट भी दिया था इसमें। वेरी गुड वेरी गुड, एंड वॉन हेलमोंट। देखो ऐसी बातें मुझे कितनी अच्छी लगते हैं जो पढ़ाई से रिलेटेड हो। अब फालतू की बातें करवा लो तुम लोगों से कितनी भी, गिवन बाय एनेक्सिमेंडर एंड वॉन हेलमोंट एंड अप्रूव्ड बाय एरिस्टोटल। इसको बेटा अप्रूव किया था एरिस्टोटल ने, ठीक है, अप्रूव्ड बाय एरिस्टोटल। ठीक है ये थ्योरी क्या थी बेटा? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी लाइफ ओरिजिनेटेड सडनली, फ्रॉम नॉन लिविंग सब्सटेंस। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी लाइफ ओरिजिनेटेड सडनली फ्रॉम नॉन लिविंग सब्सटेंस, है ना, लाइफ अचानक आ गई अपने आप from non-living substance, from non-living substance. ठीक है अचानक लाइफ आ गई।
फ्रॉम नॉन लिविंग सब्सटेंस. ठीक है, ये क्लियर होगी बेटा थ्योरी सबको. इन्होंने क्या किया था, पब्लिक के सामने एक शर्ट रखी जिसपे पसीना लगा हुआ था, मिट्टी लगी हुई थी. ठीक है, पसीना और मिट्टी लगी हुई थी उस शर्ट के ऊपर. ठीक है, और उस शर्ट को उनके आसपास गेहूं के ना दाने डाले गए. ठीक है, उस शर्ट के आसपास गेहूं के दाने डाले गए. ठीक है, थोड़े दिनों के बाद लिख लेना, थोड़े दिनों के बाद, आफ्टर सम टाइम, थोड़े दिनों के बाद है ना, आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम टाइम. रिपीट करना क्या बोला था इन्होंने ना, क्या किया, एक शर्ट ली, उस शर्ट के ऊपर पसीना और मिट्टी लगे हुए थे है ना, और आसपास उस गेहूं के आसपास उस शर्ट के गेहूं के दाने डाल दिए. थोड़े दिनों के बाद ना उस शर्ट के आसपास मिट्टी आ गई, चूहे आ गए और मक्खी आ गए. इन्होंने कहा कि जो गेहूं था ना, उस जो ये मिट्टी थी उससे तो चूहे बन गए, और जो पसीना था उससे मक्खी बन गई. नॉन लिविंग चीजों से लिविंग चीज डेवलप हो गई, ये बोला गया. ठीक है, इस थ्योरी को बेटा क्रिटिसाइज किसने किया, दिस थ्योरी वॉज क्रिटिसाइज बाय दिस थ्योरी was criticized by this theory was criticized by sir. हाँ, after some time के बाद क्या लिखना है, after some, कौन सा बेटा यहाँ पे आपने अभी बोला था after some time, after some time rats and house flies were found near the shirt. Rats and house flies were found near the shirt. इस थ्योरी को क्रिटिसाइज किसने किया बेटा, स्पेलेंजानी एंड फ्रांसिस, वेरी गुड वेरी गुड, एंड फ्रांसिस रेडी है ना, बाय स्पेलेंजानी एंड फ्रांसिस रेडी, इन दोनों ने मिलकर बेटा इस थ्योरी को क्रिटिसाइज किया. ठीक है, स्पेलेंजानी एंड फ्रांसिस रेडी. ठीक है, दिस थ्योरी वॉज फाइनली क्रिटिसाइज्ड बाय दिस थ्योरी वॉज फाइनली क्रिटिसाइज्ड बाय सर लुईस पाश्चर. This theory was finally criticized by Sir Louis Pasteur. No, Sir Louis Pasteur. Sir, ये theory तो बिल्कुल झूठ है. हाँ झूठ है. ठीक है. By performing Sir, ये भी Swan क्यों रहे हो फिर? Neck jar experiment. ठीक है, क्रिटिसाइज बाय सर लुईस पाश्चर बाय परफॉर्मिंग स्वान नेक जार एक्सपेरिमेंट. ठीक है, स्वान नेक जार एक्सपेरिमेंट. ठीक है, तो सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल थ्योरी कौन सी है बताओ, ओपरिन हेल्डेन केमिकल एवोल्यूशन हाइपोथेसिस, ओपरिन हेल्डेन हाइपोथेसिस.
this was the most scientific, most scientific and most acceptable explanation. Most scientific and most acceptable explanation for the origin of Earth and life on it. Most scientific and most acceptable explanation for the origin of Earth and life on it. Okay. Most scientific and most acceptable explanation for the origin of Earth and life on it. सर एक गिलास दिखाना सर ये स्वान नेक जार एक्सपेरिमेंट क्या है हाँ बेटा स्वान नेक जार एक्सपेरिमेंट स्वान नेक जार बताता हूँ हो गया सर देख स्वान नेक जार में बेटा क्या किया गया था ठीक है कि इन्होंने ना दो जार लिए थे बेटा देख एक जार लिया था बेटा स्ट्रेट नेक वाला ये कैसी नेक थी बता स्ट्रेट ठीक है ये और इसके अंदर और इन्होंने कोई मीट का पीस रख दिया ये बेटा मीट का पीस रख दिया देख है ना मीट दूसरा इन्होंने बेटा जार लिया वो स्वान नेक था बेटा जैसे सारस की गर्दन होती है ना ऐसे ऐसे ये देख रही है बेटा यस सर इसमें भी बेटा उसी तरह का मीट रखा गया सेम बिल्कुल ना उसमें भी इसी तरह का मीट रखा गया ठीक है तो जो ये था ना बेटा स्ट्रेट नेक उसके उसके अंदर इनको बैक्टीरिया हाउस फ्लाई ये सब मिल गए जो ये वाले था स्ट्रेट नेक वाला इसके अंदर बेटा बैक्टीरिया हाउस फ्लाई सब मिले यहां पे बेटा है ना बैक्टीरिया मिल गया हाउस फ्लाई मिल गई इसके अंदर बेटा बैक्टीरिया मिल गया हाउस फ्लाई मिल गई लेकिन जो स्वान नेक था उसके अंदर कुछ नहीं मिल पाया ठीक है तब इन्होंने कहा कि लाइफ पहले से एटमॉस्फेयर में थी क्योंकि स्वान नेक ऐसे होता है ना बेटा उसकी उसकी गर्दन इतनी ज्यादा इसने कर्व बनाई थी कि उसके अंदर हाउसफ्लाई या कोई भी चीज एंटर नहीं कर पाई लेकिन खुली हुई दोनों थी तो इन्होंने बोला कि दोनों जार की क्वालिटी एक ही है दोनों जार का मटेरियल एक ही है दोनों जार में एक ही तरह का मीट पीस रखा हुआ है तो फिर एक में कम एक में ज्यादा ऐसे कैसे हो गया ठीक है एक में लाइफ आई एक में लाइफ नहीं आई ठीक है इन्होंने कहा कि लाइफ पहले से एटमॉस्फेयर के अंदर मौजूद थी वो जो आप लोगों ने शर्ट रखी थी उस शर्ट पे जो पसीना और मिट्टी थी उससे लाइफ डेवलप नहीं हुई वो चूहे मक्खी तो वैसे ही थे एटमॉस्फेयर के अंदर वो आ गए थे शर्ट के पास जैसे वो सीधी गर्दन वाली जार के अंदर आ गए थे स्वान नेक वाले के अंदर नहीं आ पाए क्लियर हो गया बेटा यस सर अब हम आते हैं बेटा ठीक है अब हम आते हैं ओपन एंड हेल्डन हाइपोथेसिस ये बेटा मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी थी है ना फॉर द ओरिजिन ऑफ अर्थ एंड लाइफ ऑन इट ओपरिन कहां के रहने वाले थे बेटा रशियन साइंटिस्ट ओपरिन रशियन साइंटिस्ट थे हेल्डेन ओपरिन रशियन साइंटिस्ट थे हेल्डेन वॉज ए ब्रिटिश साइंटिस्ट Haldane was a British scientist who later on settled in India. Haldane beta British scientist the who later on settled in India. जो बाद में बेटा इंडिया में सेटल हो गए थे ठीक है who later on settled in India.
ठीक है, चला ये बताओ, थ्योरी बता दो बेटा ये वाली, लिख लो। अकॉर्डिंग टू ओपेरन, अकॉर्डिंग टू ओपेरन, इनिशियली अर्थ वॉज इन द फॉर्म ऑफ है ना हॉट क्लाउड ऑफ गैस। ये बेटा गैस का एक क्लाउड था जो अर्थ थी, सारे सब्सटेंसेस गैसेस फॉर्म में थे, ऑल द सब्सटेंसेस वर इन गैसियस स्टेट, सारे सब्सटेंस जो थे बेटा वो गैसियस स्टेट में थे। ठीक है, एज टाइम पास्ड है ना, जैसे जैसे समय बीतता गया, एज टाइम पास्ड है ना, अर्थ है ना, एज टाइम पास्ड टेम्परेचर केम डाउन, टेम्परेचर केम डाउन एंड अर्थ बिगेन टू सॉलिडिफाई। अर्थ बिगेन टू सॉलिडिफाई, सॉलिडिफाई एंड अर्थ बिगेन टू सॉलिडिफाई। ठीक है, अब क्या क्या हुआ बेटा, है ना, हैवी मेटल्स। सर एक मिनट, सर एक मिनट, लास्ट स्लाइड कर दो। कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, लास्ट स्लाइड। यस सर। देख लो लास्ट स्लाइड, हाँ वो सरीन की मिस कॉल थी, मिस कॉल थी, मैंने की नहीं अभी, वहां तक जाए कैसे जाएगा ये है ना, एक बार उससे फोन तो कर लो, उसकी वाइफ को। नहीं 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 फोन का मत पूछो, ये पूछ लो कब तक हो, क्या है अंकल, तेरामी कब है, कब रुक रहे हो, कब जा रहे हो, ये तो इतना तो पूछ लो ना। हो गया बेटा, अगली स्लाइड देख लो। अर्थ बिगेन टू सॉलिडिफाई, इससे अगली देख लो बेटा, हैवी मेटल्स लाइक आयरन एंड निकल फॉर्म्ड कोर ऑफ द अर्थ, heavy metals like iron and nickel formed core of the earth। ठीक है, ये बन गया बेटा core, इसको knife कहते हैं ना, knife इसलिए कहते हैं बेटा क्योंकि nickel और iron का होता है knife। ठीक है, फिर लिख लेना light substances like aluminium form middle layer है ना, मिडिल लेयर, तो ये बन गया बेटा एल्यूमिनियम का मिडिल लेयर। सर नाइफ क्या है ये? निकल और आयरन, ठीक है, वो बेटा सबसे नीचे गया, फिर बीच का लेयर एल्यूमिनियम का, फिर बेटा लाइटर सब्सटेंसेस लाइक सोडियम एंड पोटेशियम फॉर्म सरफेस, ये आ गया बेटा सोडियम एंड पोटेशियम, इसने बेटा सरफेस बना दिया।
है ना, एंड द लाइटेस्ट सब्सटेंस, एंड द लाइटेस्ट सब्सटेंस लाइक कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन रिमेन्ड इन गैसियस स्टेट, रिमेन्ड इन गैसियस स्टेट ना, रिमेन्ड इन गैसियस स्टेट। बना लिया बेटा? सर ये क्या लिखा है सर? ये क्या लिखा है यहाँ पर? कौन सा बेटा बोल? फॉर्म्ड सरफेस एंड द, इसके बाद कुछ नहीं, लाइटेस्ट सब्सटेंस लाइक कार्बन हाइड्रोजन रिमेन्ड इन गैसियस स्टेट एंड फॉर्म्ड एटमॉस्फेयर। एंड फॉर्म्ड एटमॉस्फेयर है ना बेटा, और एटमॉस्फेयर बना दिया उन्होंने। एज टेम्परेचर केम डाउन, बिलो 100 डिग्रीज इट स्टार्टेड रेनिंग, एज टेम्परेचर केम डाउन बिलो 100 डिग्रीज इट स्टार्टेड रेनिंग एंड फिल्ड, पहले ये लिखो, सॉरी पहले लिखो, सॉरी मैंने गलत लिख दिया है ना, लार्ज मेटेरॉइड्स है ना फेल ऑन अर्थ। ठीक है, बड़े बड़े मेटेरॉइड्स अर्थ पे गिरे, तो उन्होंने क्या किया, क्रेटर बना दिया अर्थ के ऊपर, गड्ढा कर दिया इन्होंने है ना, विच रिजल्टेड इन फॉर्मेशन ऑफ लार्ज क्रेटर्स ऑन अर्थ, फॉर्मेशन ऑफ लार्ज क्रेटर्स ऑन अर्थ। विच रिजल्टेड इन फॉर्मेशन ऑफ लार्ज क्रेटर्स ऑन अर्थ, ठीक, अर्थ के ऊपर आके बेटा गड्ढे बन गए। लार्ज क्रेटर्स ऑन अर्थ, ठीक है सर, लास्ट स्लाइड करना एक सेकंड। हाँ ये देख बेटा, ये बारिश होनी शुरू हो गई और अर्थ में समुद्र बनना शुरू हो गया। लास्ट स्लाइड देख लो, ओके सर, ठीक है बेटा, लार्ज क्रेटर्स ऑन अर्थ एज टेम्परेचर केम डाउन बिलो 100 डिग्रीज, केम डाउन बिलो 100 डिग्रीज है ना, इट स्टार्टेड रेनिंग। As temperature came down below 100 degree, it started raining. These rains filled, ठीक है, craters with water. ठीक है, resulting in the formation of primitive ocean on earth. Resulting in the formation of primitive ocean on earth. ठीक है, अर्थ के ऊपर बेटा primitive ocean बन गया।
तेरी स्लाइड जाना। हाँ बेटा सर एक बार स्लाइड को समझाइएगा। एक बार ही क्या करूं? हाँ सर स्लाइड बोल रहा हूँ सर। हाँ सुधीर बोलो सर। स्लाइड को समझा दीजिए एक बार स्लाइड वाली को। ये वाली बेटे देख अर्थ के ऊपर ना बड़े बड़े मीटेरॉइड्स आकर के गिरे तो उससे क्या हुआ अर्थ के ऊपर गड्ढा बन गया। ठीक है अब जब अर्थ के ऊपर बेटा गड्ढा बन गया अब टेम्परेचर 100 डिग्री से कम हो गया तो बारिश होनी शुरू हो गई। जब बारिश हुई तो गड्ढे में पानी भर गया ओशन बन गया। और मैंने चेक किया है साक्षी मैंने किया है चेक। मैं 15 मिनट के लिए फ्री हूं ना बस उतनी देर में आप पहुंच नहीं पाओगे। मैंने चेक किया है साक्षी पर दिन वाला लेकिन उसने पूछा है कि कब फ्री हो। मैं बेटा सिर्फ फ्री हूं 12:15 से 12:30 सिर्फ 15 मिनट के लिए फ्री हूं। ठीक है उसमें आप पहुंच नहीं पाओगे। ये 2 बजे आपकी क्लास खत्म होगी ना 2 बजे मैं निकल जाऊंगा क्योंकि मुझे 2:30 बजे कहीं और पहुंचना है। ये पंगा हो गया बेटा लिख लेना दीज रेन्स है ना लास्ट क्या लिखा बेटा प्रिमिटिव ओशन ऑन अर्थ है ना। दिस ओशन वॉज कॉल्ड हॉट बॉइलिंग सूप। By Haldane, this ocean was called hot boiling soup by Haldane. These rains were accompanied by और इन बारिश के साथ क्या आया बेटा by electric discharge एंड अल्ट्रावायलेट रेडिएशन विच प्रोवाइडेड एनर्जी फॉर वेरियस बायोकेमिकल रिएक्शंस टू टेक प्लेस On primitive earth. ठीक है तो these rains were accompanied by electric discharge and UV radiation which provided energy for various biochemical reactions to take place on primitive earth. ठीक है तो इस बारिश के साथ बेटा electric discharge, ultraviolet radiation और उन्होंने बेटा एनर्जी प्रोवाइड करी फॉर वेरियस बायोकेमिकल रिएक्शंस टू टेक प्लेस ऑन प्रिमिटिव अर्थ ना। और प्रिमिटिव अर्थ पे बेटा बहुत सारे बायोकेमिकल रिएक्शन शुरू हो गए। जरा बेटा रिएक्शंस बता दो कौन कौन से थे है ना लिख लेना। कार्बन कंबाइंड विद नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। सर एक मिनट। हाँ बोल। एक मिनट तो एक मिनट क्या करूं लास्ट स्लाइड। अच्छा तो ये बोलना दिखा दो एक बार। हो गया बेटा डन। ठीक है फिर दूसरा लिखो बेटा हाइड्रोजन। सर हाइड्रोजन कंबाइंड विद नाइट्रोजन होगा ना। हाइड्रोजन हाँ सॉरी होगा ना तो मेरी केमिस्ट्री ना पहले भी खराब ही थी। हाइड्रोजन कंबाइंड विद नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। हाइड्रोजन कंबाइंड विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वॉटर वेपर्स। देयरफॉर देयर वॉज नो फ्री ऑक्सीजन इन द रिड्यूसिंग एटमोस्फेयर
प्रिमिटिव एटमॉस्फियर। ठीक है, देयर वाज नो फ्री ऑक्सीजन इन द प्रिमिटिव एटमॉस्फियर, है ना, द प्रिमिटिव एटमॉस्फियर वाज रिड्यूसिंग। यस सर। Was reducing in nature, है ना, primitive atmosphere बेटा reducing था। आजकल का atmosphere कैसा है बेटा? Modern atmosphere कैसा है? Oxidizing. Modern atmosphere is oxidizing. ठीक है, इसलिए बेटा जो changes primitive atmosphere में हो गए थे, therefore those changes which had occurred in the primitive reducing atmosphere for origin of life cannot occur in modern oxidizing atmosphere, cannot occur in modern oxidizing atmosphere. क्लियर हो गया? अगला लिखो, कार्बन कंबाइन विद हाइड्रोजन टू फॉर्म मीथेन। सर लास्ट स्लाइड में लास्ट लाइन क्या लिखे? लास्ट लाइन क्या लिखे? अरे लास्ट की तो है सुधीर, लास्ट लाइन को रीड करिए एक बार। हाँ रीड कर दो। देख हाइड्रोजन, सुधीर बता क्या लिखा हुआ, हाइड्रोजन कंबाइंड विद नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया के सबसे येलो कलर वाला हाइड्रो। अच्छा देख, मॉडर्न एटमॉस्फेयर कैसा है बता सुधीर? ऑक्सीडाइजिंग, है ना, देयरफॉर दोस चेंजेस व्हिच हैड अकर्ड इन प्रिमिटिव रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर फॉर ओरिजिन ऑफ लाइफ कैन नॉट अकर इन मॉडर्न ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर। ठीक है, जो चेंजेस ना बेटा प्रिमिटिव रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर में हो गए थे लाइफ बनने के लिए, है ना, वो अब लाइफ नहीं बन सकती क्योंकि अब एटमॉस्फेयर कैसा हो गया बेटा? अब एटमॉस्फेयर कैसा है? ऑक्सीडाइजिंग हो चुका है। ओके, तो लाइफ बनने के लिए रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर चाहिए होता है बेटा, है ना। ओके सर, लिख लेना, कार्बन कंबाइन विद हाइड्रोजन टू फॉर्म मिथेन एंड अदर हाइड्रोकार्बन्स and other hydrocarbons. Like aldehydes, ketones, ठीक है बेटा, cyanides, yes, amino acids, cyanide hydrocarbon होता है, amino acids एंड प्रोटीन्स। ठीक है बेटा, प्रोटीन्स में सर, सर आपकी वीडियो नहीं दिख रही है मुझे। सर आप कहाँ हो? हेलो,
सर कहाँ हो? हेलो सर, हेलो अनिकेत, हाँ बोल। भाई ठीक है तू? मैं ठीक हूँ, अपना बता। बंदे मिलते हैं तेरे लिए, कुछ गिफ्ट ले जाऊंगा। किसके लिए बे? तेरे लिए और किसके लिए? कल मंडे को लेके आइयो। हाँ मंडे बोल रहा हूँ, मंडे। क्या 7 तारीख को है मंडे? आपको ही होगा, हाँ होगा सात ना? भी तो सात है। को ही तो है। ये बता, तू गोद में किसका बालक ले रहा है बे? फोटो लगा रखा तूने, किसका बालक है ये? कहाँ बालक है वे? फोटो में है तो गोद में ले रहा है तू? आंख के अंधे पहले देख ले क्या है वो। तेरे जैसा ही लग रहा है, जैसा तू है सही है। बे टेडी बियर है। अब